पंचायत चुनाव नगरी निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में जल्दी हो सकते हैं। अब एमपी सरकार को जब देश की अदालत ने फटकार लगाई है और कहा है कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो, तो राज्य सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंप सकती है। उम्मीद है कि जल्द पंचायत चुनाव और नगरी निकाय के चुनाव हो सकते हैं। खुद मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसके संकेत दिए। देखिए भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा। जो हमारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उस रिपोर्ट में जो डाटा आया है उसमें लगभग 48% जो है वो पिछड़ा वर्ग के मतदाता पाए गए हैं। और इसको अगर हम देखें कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मतदाता घटाने पर शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो मतदाता है वो 79% है। आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये पाया है कि वयस्क मताधिकार प्राप्त हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आज भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ऐसी बाधाएं हैं जिसको प्रतिवेदन में प्रस्तुत में दर्शाया गया है, जो उन्हें राजनीतिक समानता पाने से रोक रही है। और इस कारण जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नगरीय निकाय एवं पंचायतों में काफी कम है। आयोग के द्वारा अनुसंधान एवं शोधकार विश्लेषण तथा जिलों में भ्रमण के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों से आयोग को प्राप्त ज्ञापन एवं मांग पत्रों की समीक्षा के आधार पर आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु जो प्रथम प्रतिवेदन में अनुशंसाएं की है वो इस प्रकार है। नंबर एक, राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35% स्थान आरक्षित करे। नंबर दो, राज्य सरकार समस्त नगरीय निकाय चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35% स्थान आरक्षित करे। नंबर तीन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों एवं नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किए जाने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। नंबर चार, राज्य शासन द्वारा सर्वे उपरांत चिन्हांकित कर जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला एवं ब्लॉक को अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया जाए, उन क्षेत्रों में विकास की विभिन्न योजनाएं लागू किए जाएं, बस्ती विकास जैसे कार्य इसमें लिए जाएं, ये अनुशंसा आयोग ने की है। फिर नंबर पांच पर, मध्य प्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में से जो जातियां केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है उन जातियों को केंद्र की सूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्र को प्रेषित किया जाए। फिर नंबर सिक्स है, केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में से जो जातियां मध्य प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है, मध्य प्रदेश शासन उन जातियों को राज्य की सूची में
जोड़ा जावे। आयोग को जिले के भ्रमण के दौरान 82 सामाजिक संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और जो ऑनलाइन है वो 853 सुझाव मिले हैं, मेल पर 156। इस तरह से आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग के हमारे अध्यक्ष माननीय गौरी शंकर जी विसेन, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री राम कलावन जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के हमारे माननीय सदस्य श्री प्रदीप पटेल जी, हमारी माननीय विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी के द्वारा। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सा। We'll be right back.